हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो कि सबको पसंद आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे बनाया है। तो यहाँ पे हमने 1 कप चावल ले लिया है और चावल को हमने 1-1.5 घंटा भिगा के रखा था और इसे अच्छे से वॉश करके हमने भिगाया था। तो इसका पानी ड्रेन कर देते हैं और मिक्सर जार में इसे डाल देते हैं। सारा चावल हम इसमें डाल देंगे और देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनके रेडी होता है। ये जब आपका मन हो तब भी बना सकते हैं, लंच ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो, ये आपको बहुत पसंद आएगा बनाने के बाद। तो देखिए यहाँ पे एक हमने बॉयल आलू ले लिया है और इसे इसमें मिक्सर जार में ही कट कर लेंगे हम। और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और यहाँ पे 2-3 स्पून हम यहाँ दही लेंगे और इसे हम पहले ग्राइंड करके देखेंगे। अगर ये थोड़ा सा ग्राइंड जैसे दरदरा सा हुआ तो थोड़ा सा पानी हम डाल देंगे 2-4 स्पून, उसके बाद फिर ग्राइंड करेंगे तो ये अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। अब इसे एक बाउल में हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए बैटर कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ। अब यहाँ हमने आधा लौकी लिया था, यहाँ पे कम से कम एक बाउल यहाँ पे ग्रेट कर लिया था लौकी। एक हमने यहाँ पे प्याज लिया चॉप करके और 3 से 4 हरी मिर्च हमने बारीक चॉप कर लिया। 1 इंच का टुकड़ा अदरक ले लिया है ग्रेट करके और धनिया पत्ती लिया है। 1 स्पून यहाँ पे हमने तेल डाल दिया है और चिली पाउडर डाल दिया है 1/2 टीस्पून और हल्दी पाउडर डाल दिया और नमक हमने इसमें चावल को ग्राइंड करते टाइम ही उसमें ऐड कर दिया था, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप फिर इसे डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये मिक्स हो गया। अब इसका हम तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून यहाँ जीरा, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने सरसों डाल दिया है और इसे तड़कने दिया है। तड़कने के बाद इसमें हमने यहाँ तड़का लगा दिया है। अब इसको एक बार अच्छे से और मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, आपको भी पसंद आएगा। तो आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं तड़के के टाइम। तो देखिए अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे पैन रख देना है और आप जितना मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा ऑयल अगर पसंद करते हैं तो थोड़ा ऑयल और डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पे इतना 1 स्पून ऑयल बहुत था। तो यहाँ पे अच्छे से इसको हमने ग्रीस कर लिया है और डायरेक्ट इसे पैन में हम डाल देंगे। और आप छोटा बड़ा जितना भी जैसा भी शेप चाहते हैं, आप जितना बड़ा आपको पसंद है आप उतने बड़े बना सकते हैं इसमें। तो ये चम्मच से अच्छे से सेट हो जाएगा बैटर जैसे हमने डाला, देखिए। और इसे हम कम से कम 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, पहले ढककर एक साइड से। तो यहाँ पे देखिए अब इसे हम ढक देंगे और ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता। बहुत सॉफ्ट था, बहुत टेस्टी था। देखिए अब जब एक तरफ से ये साइड से हो गया और ऊपर से भी अच्छे से ही हो गया है, तो इस पर हल्का सा ऑयल लगा के हम और इसे पलट देंगे। तो इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे अलटते पलटते हम ढक के ऐसे ही पकाएंगे। तो इतने बैटर में मेरा 8-10 जो है चीला बन के रेडी हुआ था। तो आपको जितना बनाना है आप उसी क्वान्टिटी बढ़ा घटा सकते हैं। तो इसे अच्छे से कलर चेंज होने तक हम सेकेंगे। यहाँ पे देखिए रेडी हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दही बना के रेडी किया और दही और चटनी के साथ इसे सर्व किया है। तो आप भी इंजॉय करिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए कितना सॉफ्ट है ये और हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।